देखिए, पिछले क्लास में हमने क्या करा था, पिछले क्लास में हमने बात करी थी, पिछले क्लास में हमने बात करी थी कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने उसके बारे में बात करा था। और हमने कुछ नई चीज़ें सीखी थी, लाइक हमने सीखा था आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉजियन प्लेन क्या होता है, ठीक है। हमने सीखा था एफिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, हमने सीखा था क्या कि हमने कल पिछले क्लास में सीखा हुआ था कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में जाना था। कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको हम बोलते हैं गॉसियन प्लेन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, गॉसियन प्लेन, या इसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन, ठीक है। तो ये क्या था प्लेन, एक ऐसा प्लेन था, ठीक है, एक ऐसा प्लेन था जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने बात करा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म पे, अभी हमारा ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखते हैं। तो ये हो जाता हमारा एक्स कॉमा वाई, ये हो जाता हमारा क्या चीज, एक्स कॉमा वाई। और इसको हमने बात करा था, इसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स, ठीक है। ये होता हमारा रियल पार्ट और ये होता हमारा इमेजरी पार्ट। अच्छा, तो ये सपोज हम लोग कर लेते हैं, ये हमारा एक्स हो गया, इधर हमारा एक्स डैश हो गया, ये होता हमारा ऑरिजिन, ये होता है वाई, और इधर हो गया क्या हमारा वाई डैश, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करा, यहाँ पे एफ एक्स ले लिया, ठीक है। ये पी पॉइंट हो गया हमारा, और ये एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स कॉमा वाई यानी हमारा ये पूरा एफ एक्स है। ध्यान से समझेंगे, ये पूरा क्या हमारा एफ एक्स है। और एफ एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से समझते हैं। एफ एक्स जो होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा एफ एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कुछ बातें और, हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है हमारा एक्स एक्सिस जो होता है रियल एक्सिस होता है, और जो वाई एक्सिस होता है हमारा कौन सा एक्सिस होता है, हमारा ये इमेजरी एक्सिस होता है, ठीक है। ये इमेजरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा रियल, क्योंकि इस पर हम लोग रियल पार्ट को प्लॉट करते हैं और इस पर हम लोग इमेजरी पार्ट को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। और ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन प्लेन, या इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको हम लोग आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, और जो पूरा सिस्टम अगर देखा जाए, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्डिजन, सॉरी गॉसियन सिस्टम। अगर पूरा सिस्टम देखा जाए तो गॉसियन सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि हम लोग जो है गॉसियन सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है। हम लोग जो बात कर रहे हैं आपको गॉसियन सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा हमारा, आज हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्जुगेट के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे मॉडुलस के बारे में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक एक ड्रॉ कर लिया, एक हमारे पास सपोज कर लेते कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें हमारा ये जो है रियल एक्सिस है, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा कोई एफिक्स, एफिक्स यानी ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एफिक्स यानी सिंपल सी बात है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि ये वाला जो, अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो पोर्शन है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एप्सिसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, एप्सिसा। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये क्या होता है हमारा, वाई, ठीक है। ये पोर्शन हो गया हमारा एक्स, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, वाई, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन हो गया, ये हो गया हमारा एफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओ से पी का डिस्टेंस, ये ओ से पी का डिस्टेंस। तो ओ से पी का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ओ से पी का जो डिस्टेंस हम लोग पहले कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे सपोज इसको हम लोग नाम देते हैं ओ डैश, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ओ डैश। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये ट्रायंगल हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, ये हमारा हो गया पी ओ डैश ओ। तो यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज पी ओ डैश, और क्या बन रहा है हमारा ओ। अच्छा, उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम लोग सपोज वी हैव टू फाइंड पी ओ, ओ पी हमने या पी ओ हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ओ पी स्क्वायर, यानी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ डैश पी का स्क्वायर होगा, ओ डैश पी का स्क्वायर प्लस ओ डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ओ पी स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओ पी स्क्वायर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है ओ डैश पी। ओ डैश पी कितना आपका, ओ डैश पी जो है वो कितना है, वाई है, यानी वाई का स्क्वायर हो गया, और ओ ओ डैश कितना, एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ओपी हमको कैलकुलेट करना है, तो ओपी इक्वल टू क्या निकल गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या निकल गया, वाई स्क्वायर, ठीक है। ओपी जो हमारा क्या निकल गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, वाई स्क्वायर। अच्छा, ध्यान समझते हैं, ये जो हमने ओपी कैलकुलेट करा है, ठीक है, हमने जो ओपी कैलकुलेट करा है, ये जो हमने ओ से पी का जो डिस्टेंस, ठीक है, ओ से पी का जो डिस्टेंस, यानी ओपी यहाँ पे है क्या,
ओपी यहाँ पे क्या हमारा डिस्टेंस बिटवीन एफिक्स, डिस्टेंस बिटवीन एफिक्स एंड ओरिजिन, ओरिजिन और एफिक्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। हमने जो यहाँ पे ओपी कैलकुलेट करा है वो ओपी क्या हमारा एफिक्स और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा है इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक है। अच्छा, तो मॉडुलस सिंपल सी बात है, कोई पूछता आपसे कि मॉडुलस क्या होता है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, डिस्टेंस बिटवीन एफिक्स एंड ऑरिजिन, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ एफिक्स फ्रॉम ऑरिजिन, एफिक्स का लेंथ, लेकिन कहाँ से, ऑरिजिन से लेंथ, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, क्या निकला हमने, ओपी इक्वल टू क्या निकाला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पे एक्स कौन सा पार्ट था, ये जो हमारा एक्स था ये कौन सा पार्ट था, रियल पार्ट था, और वाई हमारा कौन सा पार्ट है, एक्स हमारा रियल पार्ट है और वाई कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तुम लोग सिंपली बोल सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई पूछता है कि मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो मॉडुलस का सिंपल सा लॉजिक होता है हमारा अंडर रूट, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड जेड से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले क्या होता है मॉडुलस क्या होता है, तो लेंथ ऑफ एफिक्स फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मॉड जेड से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मॉड जेड से रिप्रेजेंट करने का लॉजिक क्या है, ये भी यहाँ पे एक भी लॉजिक है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है ना, छोटी छोटी चीज के पीछे भी लॉजिक होता है, आखिर वो क्यों होता है, कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे भी रीजन है, क्यों हो रहा है। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे हमने मॉड लगाया और हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कुछ बातें, लाइक मॉड जो होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मॉड जो होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ए टू द पावर एक्स जो होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, अंडर रूट जो होता है ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये कुछ जो होते हैं हमारे पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपका जो लेंथ है, ये जो हमारे डिस्टेंस है, ये कभी निगेटिव नहीं आएगा, जो डिस्टेंस आपका कभी निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड का यूज करा है, ठीक है। जो डिस्टेंस जो है आपका वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हमने किसका यूज करा है, यहाँ पे मॉड का यूज करा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई पूछता है कि मॉडुलस क्या होता है, तो एक सिंपल सा लॉजिक हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, एफिक्स का, एफिक्स और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक है। और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉडुलस को सिंपली हम लोग मॉड जेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज जेड इजकल टू ए प्लस आई बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, अगर इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखे तो ये ए बी हो गया, अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखे तो क्या हो गया हमारा, ए बी। अच्छा, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिक्स, ठीक है। ऑर्डर पेयर के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिक्स, ठीक है। तो सपोज हमारे पास क्या है, जेड इजकल टू हमारे पास है ए प्लस आई बी बोलो आप इसको, या इसको आप एक्स प्लस आई वाई बोलो, कुछ ही बोल सकते हो आप। तो इसका मॉड निकालना आपने, कुछ निकालना, ये रियल पार्ट है या आपका इमेजरी पार्ट है, यानी अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, या अंडर रूट सिंपल इसको बोल सकते हो आप, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का क्या स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने मॉड कैलकुलेट करा है, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। सपोज हमारे पास, सपोज हमारे पास जेड है, ठीक है, जेड इक्वल टू दिया थ्री प्लस फोर आई, ठीक है, और बोल रहे हैं आपने कि आपने कैलकुलेट करना है, इसका मॉड कैलकुलेट करना है, तो मॉड हमने सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी रूट अंडर। तो मॉड अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मॉड कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, एफिक्स और ऑरिजिन के बीच का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग एफिक्स का लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, कहाँ से, ऑरिजिन से, ठीक है। और एफिक्स यहाँ पे क्या हमारा, एफिक्स एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर फॉर्म है, ठीक है। तो हमने सपोज इसका कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, यानी थ्री का स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया, फोर का स्क्वायर, यानी हो गया नाइन, और ये हो गया सिक्सटीन, दैट इज 25, और 25 यानी कितना आ गया हमारा, फाइव, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे हमने मॉड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो मॉड कैलकुलेट करना यानी मॉडुलस कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है। तो आपने क्या करना है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। मॉड हमने क्यों यूज करा, क्योंकि जो लेंथ आपका है, लेंथ जो है यहाँ पे कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अच्छा, एक और लॉजिक है, निगेटिव नहीं होगा, एक और लॉजिक है, क्या लॉजिक है वो, कि दैट इज मॉड जेड, यानी फिर रूट आ रहा है, और रूट जो होता है यानी अंडर रूट जो होता है एक आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। अंडर रूट जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्यों पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, क्योंकि अंडर रूट एफेक्ट जो है ये तभी डिफाइंड है, अंडर रूट एफेक्ट जो है तभी डिफाइंड है इफ एंड ओनली इफ,
ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ये जो कंडीशन है तभी डिफाइंड, जब आपका एफ एक्स जो है या तो ग्रेटर इक्वल टू वो जीरो हो तब ये डिफाइंड है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा बोल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मॉड है आपका है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग मॉड सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। मॉड का, मॉड सिंबल का लॉजिक यही हमारा, इसलिए लोग क्या करते हैं मॉड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या चीज, कंजुगेट, ठीक है। अब हमने क्या समझना है, कंजुगेट, हमने मॉडुलस क्लियर कर लिया, अब हमने समझना है कॉन्जुकेट। अब देखिए कॉन्जुकेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुकेट पढ़ने से पहले, ठीक है, कॉन्जुकेट को समझने से पहले हम लोग दो तीन चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या वो कॉन्सेप्ट है वो पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए दो चीजें होती है, आपने 10th क्लास में लाइट के, लाइट पढ़ा होगा, तो लाइट में आप रिफ्लेक्शन के बारे में जानते होंगे, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा आपने इमेज के बारे में सुना होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में जानते होंगे आप, इमेज के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। तो कोई पूछता है कि कंजुगेट होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, कंजुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ जेड, यानी जेड का मिरर इमेज होता है अलोंग रियल एक्सिस, सिंपल सी बात है। कोई पूछता है कंजुगेट क्या होता है, यानी कंजुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ जेड अलोंग रियल एक्सिस। अच्छा रियल एक्सिस कौन सा रियल एक्सिस होता है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें, गॉसियन प्लेन की बात कर रहे हैं, तो गॉसियन प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है वही रियल एक्सिस होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजरी एक्सिस होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, ठीक है, मिरर में क्या होता है, अब दो तीन चीजें को हम लोग और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हम लोग पॉइंट भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग को कंप्लीटली एफ एक्स ही बोलना है, ठीक है। ये इसको जो है हमने एफ एक्स ही बोलना है, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, जब इसको आप रिफ्लेक्शन कराओगे, ठीक है, इसके अलोंग, ये जो हमारा रियल एक्सिस है, ये जो रियल एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको हम लोग जब रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो जो हमारा अभी हमारा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी जो हमारा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है, प्लस प्लस, जब इसको आप रिफ्लेक्ट कराओगे, ठीक है, तो ये जो हमारा है ये फर्स्ट से ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो पी था हमारा, सपोज इसको हम मानते हैं पी डैश, ये जो हमारा प्लस प्लस था ये कन्वर्ट हो गया हमारा एक्स कॉमा माइनस वाई में, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी ये फर्स्ट में था और फर्स्ट से किस में कन्वर्ट हो गया, फोर्थ में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। फोर्थ का सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है। आप जानते हो कि फोर्थ का जो सिंबल होता है वो, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट का जो सिंबल होता है, जो साइन कन्वेंशन होता है, दैट इज क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका जो हो गया, ठीक है, यानी ये जो पी पहले था हमारा जो एफ एक्स था, इसका जब कंजुगेट करोगे, ठीक है, देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स वाई को, एक्स वाई जो था किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एफ एक्स जो हमने लिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट पे लिया, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लिया है, यहाँ जो हमने एफ एक्स लिया है वो हमने किस क्वाड्रेंट पे लिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एफ एक्स कहीं भी हो सकता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, कहीं भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहीं भी हो सकता है। तो कुछ नहीं करना आपने, जो भी आपके पास एफ एक्स है, ठीक है, जो भी आपका एफ एक्स है किसी क्वाड्रेंट में, उसका आपने मिरर इमेज देखना है, ठीक है। उसका आपने क्या करना है, मिरर इमेज देखना है, और किसके अलोंग मिरर इमेज देखना है, तो अपने रियल एक्सिस के अलोंग आपने उसका मिरर इमेज देखना है। तो देखिए होगा क्या, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, या अगर आपका फोर्थ में है तो वो किस में चला जाएगा, फर्स्ट में, अगर आपका सेकंड में है तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड में, और थर्ड में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, थर्ड में है तो आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सपोज आपके पास, अच्छा इसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट जेड बी अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जेड जो हमारा है कम्प्लेक्स नंबर है, और दैट इज जेड इज इक्वल टू हमारे पास है ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों प्लस प्लस है, दोनों क्या हमारे पास है, प्लस प्लस है, यानी ऑब्वियस है कि ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसका हमने कंजुगेट निकाला, कंजुगेट यानी जेड बार, ठीक है, कंजुगेट को जो होता है उसको हम लोग जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जेड के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, बार, ये ध्यान देने वाली बात है, कंजुगेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या करना है, इसका मिरर इमेज करना है, तो अभी ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी सिंबल क्या होता है, प्लस प्लस, जब इसका हम लोग मिरर इमेज करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज किस में आ जाएगा, फोर्थ में, फोर्थ का सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस, तो ए यहां पे हो गया आपका माइनस आई बी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा अगर सपोज हमारा जो क्वाड्रेंट है, सपोज आपके पास जो जेड अवेलेबल है, ठीक है, जेड आपका अवेलेबल ए माइनस आई बी, ये आपका जेड अवेलेबल है, ठीक है, जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अवेलेबल है, तो आपको आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है ये, प्लस माइनस है, यानी क्लियरली दिख रहा है कि हमने ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में अवेलेबल है। तो जब हम लोग जानते हैं, जब इसका हम लोग मिरर इमेज करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, कंजुगेट मिलेगा। अच्छा दूसरी बात, जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का, जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एफिक्स है आपका, जब उसका आप मिरर इमेज करोगे तो आपको किससे मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस,
यानी ए प्लस क्या मिल गया आपको, आई बी, ये वापस से आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिंपल सी बात है, कोई पूछता है कि क्या होता है आपका कॉन्जुकेट क्या होता है, तो सिंपल सी लॉजिक है, कॉन्जुकेट इज द मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस, ठीक है। और आपने ध्यान देना कि अगर फर्स्ट, अच्छा किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी ध्यान देना आपको, हम लोग इसको जेड बार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आपका। अच्छा इसमें हो क्या रहा है, अब देखो ध्यान से, नोटिस करने वाली बात है, हो क्या रहा है आपका, इसमें केवल साइन का चेंज हो रहा है, ठीक है, केवल जो है आपका साइन का चेंज हो रहा है। फर्स्ट में है तो वो फोर्थ में हो जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट में तो फोर्थ में हो जा रहा है, फोर्थ में तो फर्स्ट में हो जा रहा है, ठीक है, सेकंड में है तो थर्ड में हो जा रहा है, थर्ड में है तो सेकंड में हो जा रहा है, बस यही हमारा कॉन्जुकेट है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, कॉन्जुकेट। सपोज हम लोग क्या करते, तो अभी हमने दो चीज़ें सीखी, कॉन्जुकेट सीखा हमने, ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट पी था, एक्स वाई जो था, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब ये, अब यहाँ पे जो जब हमने इसका कंजुकेट करा तो ये किस में चला गया, फर्स्ट था फोर्थ में चला गया, ठीक है। अच्छा तो ये जो है अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको जेड इजकल टू एक्स माइनस आई वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है, ठीक है, एफिक्स जो है आपका, एफिक्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मिरर इमेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुकेट, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर ले, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमको आइडिया मिल जाए एक बार कि इसका रियलिटी में है क्या, कॉन्जुकेट क्या है और हमारा कॉन्जुकेट क्या है और मॉडुलस क्या है, ठीक है। अभी हमने मॉडुलस भी चेक करा है, ठीक है, एकदम क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि कॉन्जुकेट का मतलब क्या होता है और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब तो हमने समझ ही लिया है, उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड, ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है अपने जेड, मॉड जेड कैलकुलेट करना है एंड अपने कैलकुलेट करना है जेड बार, अपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मॉड जेड पता है आपको दैट इज मॉडुलस और होता क्या है एफिक्स ऑरिजिन का डिस्टेंस, और आपने कॉन्जुकेट पता है, कॉन्जुकेट क्या होता है, सिंपल सी बात है, मिरर इमेज, मिरर इमेज अलोंग रियल एक्सिस, रियल एक्सिस यानी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते लेते हैं, सपोज जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आई है, इसका हमने क्या कैलकुलेट करना, मॉड, मॉड कैसे कैलकुलेट करते पता है, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस हम लोग क्या करते हैं इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रियल पार्ट आपका कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर, इमेजरी पार्ट कितना है, 4 है, यानी 4 का स्क्वायर यानी कितना आ गया आपके पास, दैट इज डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज 5। सपोज आपने इसका कॉन्जुकेट करना है तो कुछ नहीं करना, आप देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है ये अभी, तो ये प्लस प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम लोग मिरर इमेज करेंगे तो फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ का सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस, यानी सिंपल 3 - 4i, सिंपल सी लॉजिक है 3 - 4i, ठीक है। अच्छा एक हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, सपोज हमारे पास जेड इजकल टू 1 + i है, इसका हमने क्या करना, मॉडुलस निकालना है, वही रूल, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट हम लोग लिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास √2 हो गया, इसका आपने क्या कैलकुलेट करना है, सपोज कॉन्जुकेट कैलकुलेट करना तो कुछ नहीं करना, प्लस की जगह पे माइनस, ठीक है। अच्छा सपोज यहाँ पे हमको इस प्रकार का मिल जाए 3 - 4i, ठीक है, 3 - 4i, इसका आप मॉडुलस कैलकुलेट करो, तो आप मॉडुलस कैलकुलेट करो, 3 का स्क्वायर + - 4 का स्क्वायर, ठीक है, इधर कितना हो गया 9 + 16 दैट इज 5 आ गया, ठीक है। अब हमने इसका कॉन्जुकेट कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हो कि यहाँ जो है आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कैसे पता, प्लस माइनस से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जब भी हम लोग मिरर इमेज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस, ठीक है, यानी प्लस माइनस था ये हमारा कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट में चला गया, ये आपको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट का मिरर इमेज फोर्थ में जाएगा और फोर्थ का फर्स्ट में जाएगा, सेकंड का जाएगा थर्ड में और थर्ड का जाएगा किस में,